नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। ये हमारा थम्ब्रूल सीरीज का पांचवा वीडियो है, थम्ब्रूल फॉर मैसनरी एंड फिनिशिंग वर्क्स। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो थम्ब्रूल सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आई बटन में भी मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। पिछले वीडियोज़ में हमने स्टैंडर्ड हाई राइज बिल्डिंग के थम्ब्रूल्स, कॉन्क्रीट, स्टील, शटरिंग के थम्ब्रूल्स और लेबर्स के थम्ब्रूल्स देखे थे। आज का वीडियो में हम थम्ब्रूल्स फॉर मैसनरी और फिनिशिंग वर्क देखेंगे। थम्ब्रूल्स फॉर मैसनरी एंड फिनिशिंग वर्क। ये सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिक वर्क के बारे में। अगर अपना 9 इंची का कंस्ट्रक्शन है तो 9 इंची का कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 500 नंबर्स। इसमें हमने देखा है स्टैंडर्ड साइज इसमें मेंशन किया है 190 by 90 by 90 का, तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर है 500 नंबर्स। अगर हाफ ब्रिक वर्क है तो हाफ ब्रिक वर्क में नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर हाफ ब्रिक वर्क इज 60 नंबर्स। मतलब हाफ ब्रिक वर्क में 1 स्क्वायर मीटर में 60 नंबर ब्रिक्स लगती है। अभी हम देखेंगे मिक्स रेशो, मेसनरी थिकनेस, मॉर्टर थिकनेस और इसका सीमेंट रिक्वायरमेंट और सैंड रिक्वायरमेंट। अगर ये 1:6 का मॉर्टर रेशो है, जैसे 1 सीमेंट हो गया और 6 सैंड हो गया, और मेसनरी का थिकनेस 200 mm है, मॉर्टर का थिकनेस 10 mm है, तो सीमेंट कंजम्पशन इसका 1.4 बैग पर क्यूबिक मीटर आता है, तो सैंड कंजम्पशन 0.3 क्यूबिक मीटर। तो वही अगर 1:5 मिक्स रेशो है, 200 mm मेसनरी थिकनेस है, मॉटर थिकनेस 10 mm है, तो उसका सीमेंट कंजम्पशन आएगा 1.7 बैग पर क्यूबिक मीटर और सैंड का आएगा 0.25 क्यूबिक मीटर। अगर मिक्स रेशो 1:4 है और मेसनरी ब्रिक मेसनरी का थिकनेस 100 mm है, तो मॉटर थिकनेस 10 mm है, तो सीमेंट का कंजम्पशन आएगा 0.15 बैग पर स्क्वायर मीटर और सैंड का आएगा 0.035 क्यूबिक मीटर। अभी हम देखेंगे एसी या फिर ब्लॉक मैसनरी के बारे में। ये जो कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी है उसके बारे में। अरे सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी, इसमें देखिए इसमें टाइप एंड मिक्स ऑफ मैसनरी लिखा है। इसके ऊपर है सीमेंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन बैग्स और सीमेंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन केजीज। तो इसमें 200 mm कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी है, उसमें मोटर का रेशो है 1:6, 1 सीमेंट 6 सैंड, तो उसमें सीमेंट कितना रिक्वायरमेंट है 0.124 बैग्स पर मीटर स्क्वायर। वही उसमें केजी में निकाला तो 6.2 केजी पर मीटर स्क्वायर। इसमें देखिए 150 mm थिकनेस ब्लॉक मैसनरी है और 1:6 उसका मोटर रेशो है, तो उसमें सीमेंट रिक्वायरमेंट है 0.093 बैग्स पर मीटर स्क्वायर और सीमेंट इन केजी है 4.65 केजी पर मीटर स्क्वायर। इसमें है 200 mm थिकनेस ब्लॉक मैसनरी, लेकिन मॉटर रेशो है 1:4, तो इसमें सीमेंट रिक्वायरमेंट है 0.206 बैग पर मीटर स्क्वायर और केजी में है 10.3 केजी पर मीटर स्क्वायर। अभी आगे का है 150 mm थिकनेस ब्लॉक मैसनरी है, तो उसका रेशो अगर 1:4 मोटर रेशो है, तो सीमेंट रिक्वायरमेंट है उसका 0.144 बैग पर मीटर स्क्वायर और सीमेंट इन केजी है 7.2 केजी पर मीटर स्क्वायर। 100 mm ब्लॉक मैसनरी, इसका मोटर रेशो है 1:4, इसमें सीमेंट रिक्वायरमेंट है 0.102 बैग्स पर मीटर स्क्वायर और केजीज में 5.15 केजी पर मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक सीमेंट बैग जो है वो 50 केजी का होता है। अभी हम बात करेंगे प्लास्टरिंग के बारे में। इधर लिखा है टाइप्स ऑफ प्लास्टरिंग, सीमेंट क्वांटिटी इन बैग्स, सीमेंट क्वांटिटी इन केजीज। ये जो थंब रूल्स है मेनली सीमेंट कंजम्पशन के लिए, मतलब ये जो फिनिशिंग एक्टिविटीज़ में सीमेंट कितना लगता है, पर मीटर स्क्वायर कितना बैग लगते हैं और पर मीटर स्क्वायर कितना केजी में लगता है। एक बैग में 50 केजी सीमेंट आता है। अब ये रफ प्लास्टरिंग, ये रफ प्लास्टरिंग में सीमेंट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है 0.09 बैग्स पर मीटर स्क्वायर और इसमें केजी में है 4.5 केजी पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग, ये इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग में सीमेंट रिक्वायरमेंट है 0.09 बैग्स पर मीटर स्क्वायर और सीमेंट इन केजी में है 4.5 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये जो इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग मेंशन किया है 12 mm थिकनेस प्लास्टरिंग के लिए है। इसके बाद है डक्ट प्लास्टरिंग। डक्ट प्लास्टरिंग भी सीमेंट क्वान्टिटी रिक्वायरमेंट उसका 0.09 बैग्स पर मीटर स्क्वायर और केजी में है 4.5 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये भी 12 mm थिकनेस का प्लास्टरिंग है। इसके बाद है एक्सटर्नल वॉल प्लास्टरिंग। एक्सटर्नल वॉल प्लास्टरिंग जनरली 20 mm, 18 mm, 24 mm ऐसा अलग अलग थिकनेस का रहता है। उसका हिसाब से सीमेंट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है 0.175 बैग्स पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.175 बैग लगता है, जबकि केजी में 8.75 केजी पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि एक्सटर्नल प्लास्टरिंग जनरली 2 कोट का होता है, इसलिए इसका सीमेंट कंजम्पशन ज़्यादा है। इसके बाद है स्टको प्लास्टरिंग। स्टको प्लास्टरिंग में भी सीमेंट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है 0.175 बैग पर मीटर स्क्वायर और केजी में 8.75 केजी पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे टाइलिंग वर्क की। अभी टाइलिंग वर्क में अगर एंटीस्किड सिरेमिक टाइल, एंटीस्किड टाइल है तो उसमें सीमेंट कंजम्पशन है 0.28 बैग्स पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 0.28 बैग सीमेंट लगता है। उसके बाद है सिरेमिक टाइल। सिरेमिक टाइल्स का है 0.3 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद है विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग। विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग के लिए 0.28 बैग्स पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 0.28 बैग सीमेंट लगता है। उसके बाद है विट्रीफाइड टाइल डैडो। डैडो मतलब जो वॉल टाइल्स रहता है उसको डैडो बोलते हैं। जो किचन में, बाथरूम में, सब जगह वर्टिकल टाइल्स रहता है ना, उसको डैडो बोलते हैं। तो ये डैडो का सीमेंट रिक्वायरमेंट है 0.27 बैग्स पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 0.27 बैग्स लगता है। इसके बाद सिरेमिक डैडो। अगर वो डैडो सिरेमिक टाइल से बना है तो उसका भी सीमेंट कंजम्पशन है 0.27 बैग्स पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 0.27 बैग सीमेंट लगता है। अभी हम बात करेंगे थम्ब्रूल फॉर सीमेंट कॉन्स्टेंटिंग नेचुरल स्टोन फ्लोरिंग। नेचुरल स्टोन फ्लोरिंग जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, कोठा, ये सब का फ्लोरिंग होता है, उसमें सीमेंट कंजम्पशन कितना आता है? सबसे पहला है मार्बल फ्लोरिंग। मार्बल फ्लोरिंग में सीमेंट कंजम्पशन है 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 0.3 बैग सीमेंट लगता है। उसके बाद है मार्बल स्कर्टिंग। स्कर्टिंग में सीमेंट का रिक्वायरमेंट है 0.025 बैग्स पर स्क्वायर रनिंग मीटर, मतलब 1 रनिंग मीटर में 0.025 बैग लगता है। स्कर्टिंग का मेजरमेंट रनिंग मीटर में रहता है। इसके बाद में मार्बल क्लैडिंग। मार्बल क्लैडिंग में सीमेंट रिक्वायरमेंट है 0.27 बैग्स पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 0.27 बैग सीमेंट लगता है। इसके बाद है टेराकोटा फ्लोरिंग। टेराकोटा टाइल्स जो रहता है उसमें सीमेंट रिक्वायरमेंट है 0.3 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद में मैंगलोर टाइल्स। मैंगलोर टाइल्स में भी सीमेंट का रिक्वायरमेंट है 0.3 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद है ग्रेनाइटिक फ्लोरिंग। ग्रेनाइटिक फ्लोरिंग का अगर थिकनेस 40 mm का है तो उसमें सीमेंट का कंजम्पशन है 0.3 बैग पर स्क्वायर मीटर। ये ग्रेनाइटिक फ्लोरिंग जो है उसका थिकनेस के ऊपर डिपेंड है। यहाँ 40 mm थिकनेस के लिए मेंशन किया है कि 0.3 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद में ग्रेनाइटिक फ्लोरिंग जो है 20 mm का है, तो 20 mm का इसमें सीमेंट कंजम्पशन है 0.25 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद में अगर डोर फ्रेम फिक्सिंग, डोर फ्रेम फिक्सिंग करते समय भी साइड में जॉइंट में जो सीमेंट लगता है, जॉइंट में मोर्टर लगता है, तो उसमें उसका सीमेंट कंजम्पशन है 0.17 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। डोर फ्रेम फिक्सिंग का सीमेंट कंजम्पशन 0.17 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। अभी हम बात करेंगे वाटरप्रूफिंग की। वाटरप्रूफिंग के लिए सीमेंट कंजम्पशन कितना आता है? अभी वाटरप्रूफिंग में अगर संकन स्लैब है तो उसका 0.25 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद में वाटरप्रूफिंग में अगर वॉल्स का है तो 0.25 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। वही वाटरप्रूफिंग अगर टॉयलेट्स का है, संकन पोर्शन का है, तो उसमें सीमेंट कंजम्पशन रहेगा 0.63 बैग्स पर स्क्वायर मीटर। ये जो सीमेंट कंजम्पशन है, ये सीमेंट कंजम्पशन एक स्टैंडर्ड थंब रूल के हिसाब से है। अगर ड्राइंग में या फिर आइटम डिस्क्रिप्शन में कुछ अलग मेंशन किया है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। अभी हम बात करेंगे थंब रूल्स फॉर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की। तो ये एंटी टर्मा ट्रीटमेंट में जो केमिकल आता है वो लोग क्लोरोपेरिफो, उसमें 20% का ये रहता है। उसमें जो है वो 5 लीटर का जो केमिकल है वो 95 लीटर पानी के साथ मिक्स किया जाता है और उसका जो यूजेज है वो 7.5 स्क्वायर मीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में वो 7.5 स्क्वायर मीटर तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे थम्ब्रूल फॉर पेंटिंग एरिया। अगर पेंटिंग का आपको क्वांटिटी निकालना है, एरिया निकालना है और आपके पास सिर्फ कारपेट एरिया है तो आप एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पेंट एरिया इज इक्वल टू कारपेट एरिया इंटू 3.5, मतलब कारपेट एरिया का जो भी एरिया रहेगा उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लैट का पेंट एरिया का क्वांटिटी मिल रहा है। इसमें एक नोट ध्यान में रखिए, ये जो अप्रोक्सीमेट पेंट एरिया है ये इसमें पूरा वॉल्स, सीलिंग सब कवर होता है। तो दोस्तों हमने देखा थम्ब्रूल्स फॉर मैसनरी एंड फिनिशिंग वर्क्स एज वेल एज सीमेंट कंजम्पशन फॉर फिनिशिंग वर्क्स, मतलब कौन से एक्टिविटीज में कौन कौन से इसमें कितना सीमेंट लगता है, पर स्क्वायर मीटर कितना बैग सीमेंट लगता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।